प्रकृति हर उस को देने के लिए तैयार है जो अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए तैयार है, है आपकी सीमाएं क्यों बन जाती है अट्ठारह घंटे प्लान दिखाता था यहां काली मिर्च का लेप नहीं होता था सुबह साली आवाज नहीं निकलती थी मैंने वीरेंद्र सेवा की तरह बैटिंग की है त्रहिमाम मचाता था साला, चार सौ किलोमीटर पांच किलोमीटर दिन में नो कंप्लेन

सच बोलो yes. और वो बेड़ियां दिख और नहीं रही है बांधे हुए हो डरते हो बोलते टाइम अपने बात को रखते टाइम डरते हो रिश्तों में डरते हो आदतों में डरते हो खुलने में डरते हो शर्माते हो अरे क्यों पूरा ब्रह्मांड आपको आपको कबूल करने के लिए तैयार है फिर आप खुलते क्यों नहीं हो फिर बेड़ियां टूटती क्यों नहीं है फिर बंद क्यों जाते हो आपका व्यक्तित्व तो निकल क्यों नहीं रहा मेरे भाई रूट कोज आप छोटी रिस्क लेने में डरते हो आप छोटी रिस्क लेने में डरते हो आप घर छोड़ने में डर रहे हो ये छोटी रिस्क तो है क्योंकि ऐसा किसी को जब ये एहसास ही नहीं होता रहा मेरे को रोटी कौन देगा मैं खाना कहां खाऊंगा मैं रहूंगा कहां आप पता है जिस बिस्तर पे मन सोते हैं उस बिस्तर के अलावा किसी दूसरे बिस्तर पे सोते हैं तो दो घंटे ही नहीं आती ये रिस्क नहीं ली जाती ये रिस्क नहीं ली जाती मेरी ट्रेनिंग महीने में तीन चार तक था तो मैं कंफर्टेबल जोन में था जब मेरे को स्ट्रेच करना पड़ा तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ट्रेनिंग आने लग गई का मतलब है अगर दो घंटे चार घंटे छह घंटे बोला तो मेरी आंतड़ियां पूरी सिकुड़ जाती है और भोजन मेरा होता नहीं है रस उस दिन लेता नहीं हूं भोजन ऐसा नीरस होता है जिसमें हालात खराब हो जाती है मैंने कहा स्ट्रेच कर तुझे जो प्रकृति ने जहां जब मौका दिया स्ट्रेच कर आप स्ट्रेच क्यों नहीं कर रहे अपनी सीमाओं को क्यों नहीं तोड़ रहे आपके भीतर प्रतिमा है अच्छे से चोट नहीं पड़ रही रे मैंने साला टाइम पे चोट पटकी टाइम पे चोट पटकी हर बार जहां से लिया है हे प्रभु, इसे सही करने की ताकत भी देना मैं इसे सही साबित करूंगा प्रकृति साथ हो जाती है लेकिन जब पेड़ को उखाड़ के देखते ना उगया नहीं उग उगा के नहीं उगा वो नहीं उगता मेरे भाई आपको ताकत है अरे एक माँ जिससे 20 किलो वजन नहीं उठता था अपना बच्चा दबा तो मिनी ट्रक कैसे उठाया बोलो ना इन कहानियों पे लोग हंसे होंगे मैंने जिया है ये बोलने से लोगों को बहुत अच्छा बोलता है यार मजा आता है यार अच्छी बात है ये लोगों के लिए मजा होगा मैंने तो भिगाऊ जब जब ऐसा सुना ओ हो उस मां के साथ कैसे बीता होगा जिसने उठाया और उसके वो, वो तंत्री का तंत्र उसकी कोशिकाएं उसके भीतर क्यों रसायन पैदा हुए होंगे जब बच्चा दब रहा होगा उसने कोई लॉजिक काम नहीं किया कितने आएंगे नहीं अरे उठा दिया एक बिल्ली जो कुत्ते से डरती है वो फाड़ दे कुत्ते को अगर उसके सारे रास्ते बंद हो जाए तो आपका व्यक्तित्व तो बाहर क्यों नहीं आ रहा भाई पता है बाहर क्यों नहीं आ रहा कभी कोई डाउनलाइन इज्जत नहीं कर रही कभी कोई अपलाइन इज्जत नहीं कर रहा मैं आधे से ज्यादा मेरे ग्रुप के लीडर्स को इसलिए दुखी देखता हूं उनका या तो परिवार में कोई इज्जत नहीं कर रहा या कोई घर में इज्जत नहीं कर रहा या धंधे में इज्जत नहीं कर रहा क्योंकि आपने कभी उससे तवज्जो ही नहीं दी बेजती से जीवन जी रहे हैं तो बेजती का जीवन कबूल है बैंक में हालात खराब है तो आपको वो हालात कबूल है कैसे स्ट्रेच किया यार और साला एक आदमी का कॉपीराइट है बीस आदमियों का एक है जो आगे आपका पूरा अधिकार है इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को जीने का हर भोग भोगने का प्रकृति की हर एक व्यवस्थाओं में अपना अधिकार बताने का क्योंकि आप जितना चाहते हैं ब्रह्मांड में उससे कई गुना है लेकिन आपको रिस्क थोड़ी लेनी होगी पति पत्नी में तीव्र प्रेम है और बढ़ जाएगा थोड़े दिन दूर हेलो कुछ कह दिया बच्चों के साथ बहुत भयंकर प्रेम है छोड़ नहीं सकते थोड़े दिन दूर रहो अरे रे उछल के आएंगे आपके पास सर घर से मोहब्बत है नहीं छूटता अरे जा और झोंपड़ियों में पढ़ हमेशा जीवन रास्ते में जीते हैं हम लोग फाइव स्टार होटल में खाना खाते नहीं है क्योंकि वहां नॉनवेज बनता है तो हम लोग कहां खाना खाते हैं रास्ते में ग्लोस्टर को रोक के किसी नीम के गट्टे पे किसी चौराहे पे किसी फर्श पे किसी भी जगह चद्दर बिछाई बोरी बिछाई वहां और ऐसे दो पांच बार लोग आके गौर बोरी पे हाँ बोरी पे यही में उधर भी ऐसा देखते हैं आपको इधर भी ऐसा ही मिले जब आप जैसा देखते वैसा हो, होते हो, तो आनंद जी उनका बढ़ जाता आपको अपनी संभावनाओं को खोलना चाहिए मेरे भाई अरे मैं अभी आपकी संभावना खोल दूं आपके ऊपर साला 20 किलो का वजन पड़ जाए आप उठा के फेंक दोगे लेकिन 200 दो किलो में आपको गिर नहीं लेकिन अगर यहां एक भी नहीं और आप पे 500 किलो का भी वजन गिर जाए आपके भीतर वो जीव है जो कहेगा इसे मैं उठा दूंगा कहां से आया बस आप तब व्यक्त करते हो अपने व्यक्तित्व को जब साला खतरा सीमाओं को तोड़ता है तो इस सीमाओं को तोड़ने का इंतजार कर रहे हो तो सीमाएं तो तब टूटेगी जब कर्जे से डूब जाओगे यहां तक आ जाएगा यहां तक तो या तो धंधे को छोड़ जाओगे नहीं भाई नहीं हो सकता भाई साहब अपनी काल्पनिक सीमाओं को तोड़ो अपने मन में ताकत बनाओ और इस पहले चैप्टर पे कबूल करो सर बात सही है जैए, जैए, जैए। अब दृश्य व्यक्तित्व को बाहर निकालने का टाइम आ गया जिनकी आपकी आवाज नहीं निकलती उनकी आवाज में दहाड़ है मैं कसम खा के कह रहा हूं लेकिन आपने आज तक निकाली नहीं तो जाओ साला नहीं निकले तो सनी देवल का घातक का वो सीन देखो उस सीन को सो बार देख के कांच के और आईने के सामने देखो फिर वहां अपने अंदर बिलीव करो ये होगा फिर रात को 12 बजे निकलो गली के 20 कुत्तों के सामने जाके ऐसा दहाड़ो साले भाग जाए तो समझ लो आप डायमंड बनोगे <laughs> लेकिन खोलो तो सही खोलो तो सही अरे लोगों की आवाज गायब होती जा रही है म्याऊं म्याऊं होते जा रहे हैं मतलब तुम्हारी आवाज इसलिए गायब हुई कि तुमने आवाज को पैसे से जोड़ रखा था मैंने पैसे से नहीं जोड़ा रहे मैंने गाड़ियों से नहीं जोड़ा आवाज को मैंने बड़े बड़े लग्जरियस चीजों से आवाज को नहीं जोड़ा इसलिए वो हो तो भी निकलती है आज नहीं हो तो भी निकलेगी कल ऊपर नीचे हो तब भी निकलेगी इसका संबंध बाहरी चीजों से नहीं है इसका संबंध मेरे व्यक्तित्व से मैंने इसको निकालने का प्रयास आज भी किया है और मरते दम तक मैं इसके उगाड़ को उगाड़ता ही रहूंगा और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी हर एक प्रयासों को बढ़ाता रहूंगा आपके भीतरी भावना कब प्रकट होगी जितनी उम्र आपकी निकल गई उतनी बची इसकी गारंटी नहीं है शरीर कब साथ छोड़ दे आपको खबर नहीं है परिवार पीछे क्या होगा खबर नहीं है और अभी भी आप आपके अदृश्य व्यक्तित्व को बाहर नहीं निकाल रहे अरे पंद्रह सौ रुपए ट्रेनिंग के प्रोग्राम के देने के लिए नहीं है और कल शरीर छूट गया तो पत्नी का क्या होगा अरे सोचो रे आज पंद्रह का टिकट लेने की हालत नहीं है और कल शरीर छूट गया तो होगा क्या आपको दर्द ही नहीं होता पता ठीक है ऐसे तो हमारे साथ थोड़ी हो।, हो सकता है कभी भी देह छूट सकती है और व्यवस्थाएं पीछे भयंकर हालात खराब है भयंकर हालात खराब है सिर्फ एक वजह से पूरी तीन लोक में इसका कारण सिर्फ आप हो और दूसरा नहीं चाहे आप आरोप दूसरे पे लगाते रहना इसने यह करवा दिया इसने यह करवा दिया इसने करवा दिया इसने करवा दिया और गर्त में जाओगे

ये उसकी वजह से हो गया है ये उसने ऐसा किया था ना उस दिन उसने जाके पूरा केड़ा कांड किया तब जाके मेरा मानव का ये स्वभाव उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है जब भी जीवन में कुछ अचीव करेगा बोलेगा सर वो मैंने किया है वो मैंने किया और एक भी चीज स्वीकार नहीं करता एक भी चाहे इस धंधे में हो स्वास्थ्य में हो रिश्तों में हो आदतों में हो किधर भी आरोप सासू पे ससुर पे दुनिया पे दादी पे लोगों पे और ये तो भगवान है ये खुद तो देवता है ये तो जितना अच्छा काम करता है खुद और जितने बुरे काम करता है दूसरा ये झूठा स्वभाव साला कभी उठने नहीं देता कई पांच साल से रगड़ रहे हैं कई दस साल से रगड़ रहे हैं रगड़े जाओ जब तक भीतर आपका सच्चा स्वभाव प्रकट नहीं करोगे प्रकृति कभी भी आपको उठने का खिलने का मौका ही नहीं देगी कभी नहीं देगी मैं देख रहा हूं कईयों को सात साल पहले भी अगली ट्रेनिंग का टिकट का पैसा नहीं था और आज भी नहीं है साला आज भी स्वभाव चेक नहीं कर रहे आज भी स्वभाव चेक नहीं कर रहे और सब कर लेंगे अरे गिरेबान में झांको मेरे भाई थोड़ी सी रिस्क बढ़ाओ थोड़ा सा पांच मिनट बोलना था इस टॉपिक पे मैं एक पे इस पे भी खत्म कर दूं तो गाठा नहीं क्योंकि अगले के लायक भी तो हो तो अगले के लायक हो यार कितनी जल्दी यार दृश्य व्यक्तित्व को खुद की दूसरे तारीफ नहीं करते पहले खुद को समझना पड़ता है मैं ऐसा हूं फिर अपने आप को वर्चुअल से एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ता है आप ऐसा बनने के लिए और क्या करोगे भाई अपना असली उगाड़ उगाड़ो ऐसे गुस्ते जाओगे डरते चले जाओगे चूहे बन जाओगे मर जाओगे कोई याद नहीं करेगा कंपनियों को गालियां देंगे लोग नेटवर्क को गालियां देंगे तुम बड़े लीडर बनके घूम रहे हो तुम्हारे पास सामान ही नहीं है का मतलब जिंदगी में अभी तक पिछले दो पांच दस साल हमने कुछ सही किया ही नहीं सही किया ही नहीं सच बोल रहा हूं आपको क्योंकि अगर परिणाम परिणाम ऐसे हैं तो आप इसका आरोप किस पे लगाओगे हमेशा इस चीज का रिजल्ट दिखाता है कि आपने किया क्या था आप अदृश्य व्यक्तित्व को बाहर नहीं निकाल रहे आपकी दहाड़ अंदर है जो वोकल कोड्स भगवान ने आपको दिए वैसा धरती पे किसी को नहीं दिया लेकिन आप नहीं धाड़ते हो आप नहीं धारते हो क्यों सर वो पता है कब धाड़ोगे कब धाड़ोगे या तो बीमारियां जकड़ेगी या कोई तकलीफ बड़ी आएगी घर में या तो कोई कैंसर होगा या कोई कर्जा होगा या कोई त्राइमा मचेगा तब आपको अब कोई ऑप्शन नहीं अब कोई अपलाइन आए नहीं आए साला अब कोई डाउनलाइन हो नहीं हो मैं मरने से पहले साला सारी बेड़ियां तोड़ के रहूंगा ऐसे समय का वेट कर रहे हो ऐसे समय का वेट मत करो आपके भीतर है दृश्य पावर से मैं देख रहा हूं हमारे वो कमलेश भाभी जी सुशीला और कशिश भाभी जी इन तीनों का अपना अपना ज्ञान का लेवल है अपनी अपनी प्रज्ञा है कशिश भाभी जी का हेल्थ का नॉलेज अलग है सुशीला का अपने गृहस्थी का नॉलेज अलग है भाभी जी का अपना जीवन को चलाने का है मैंने इनके जीवन को ग्रो करते हुए कैसे देखा दो साल पहले भी हम छओ बैठते थे एक साल पहले भी हम छओ बैठते थे आज भी हम छओ बैठते हैं इन तीनों की प्रज्ञा उठने लग गई ऐसे आइडिया देने लग गई ऐसे विचार देने लग गई जब कल समस्या कि 1500 लोग आएंगे तो क्या आप फिर 1500 लोगों को वापस क्यों दे रहे हो 800 लोगों को वापस क्यों भेज रहे हो बगल में तो विद्याश्रम ऑडिटोरियम है उरो तेरी। उरो यार उद्यमियों के दिमाग में नहीं आ रहा और गृहिणी के दिमाग में आ रहा है तो आप क्या समझते हो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा आप सिर्फ संगत करो आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कौन नकली है कौन असली है कौन हेल्थी है कौन 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 है 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 काम करता है, नहीं करता है, करता है, करता है, नहीं नहीं दिखावा दिखावा आप औरतों के भीतर बहुत बड़ी पावर है आप ये समझते हो मैं थोड़ी जाके प्लान दिखाऊंगी प्लान दिखाने के अलावा इस बिजनेस के सौ डायमेंशन है जहां आप काम कर सकते हो लेकिन आपको अपने अदृश्य व्यक्तित्व को बाहर निकालना होगा निकाला भाई और आगे भी निकालते रहेंगे अदृश्य व्यक्तित्व बहुत कुछ छिपा पड़ा है आपके अंदर लेकिन जैसे वहां एजुकेशन ट्रेप है यहां भी एक ट्रेप है क्या बड़ा बड़ा होता है छोटा छोटा होता है बड़ा ही आके काम करता है तभी बड़ा निकलता है तब कुछ होता है क्योंकि ये सब बड़े मैं काम मैं बड़ा है मैं तरह इमाम करूंगा जिस दिन पहली बार मेरा अपलाइन मीटिंग में नहीं आया उस दिन मैंने जो ढोल बजाए थे आज मुझे समझ में आता है वो ढोल मेरे एटीट्यूड के बजे थे रो यार आज मुझे मौका मिलेगा आज मैं ही बापू ये खुशी हर किसी को नहीं होती संग्राम जी जब आपका टाइम नहीं आता तब आप इतने हो, लोग पे के ही टेंट लग गया हो सारे काम हो गया तंबू तरह में नहीं आएगा 99 परसेंट सुसाइड करते हैं। ये धंधा है साला यहां साले खेके थूक देते हैं थूक के चाट लेते हैं यहां पे साले कुछ भी बोल देते हैं इनका बोलने का इनका करने का कोई होश तेरा उत्थान का क्या होगा तू किधर जा रहा है आपके भीतर